हेलो गाइस, वेलकम टू लर्निंग बुल्स। माय नेम इज अजय मीना एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस वीडियो, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में। देखो, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं कि आपको ये चीजें नहीं करनी होती। अगर मैं आपको डायरेक्टली रूल्स बता दूं, रूल नंबर वन, रूल नंबर टू फॉलो नहीं होता है, क्योंकि हम डायरेक्टली उसको अप्लाई नहीं कर पाते अपने लाइफ स्टाइल पे। सेकंड, अगर मैं आपको बोलूंगी ट्रेडिंग साइकोलॉजी की एक बुक है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, इसको पढ़ लो, इसके जैसे एक दो बुक और मैं रिकमेंड कर सकता हूं, उनको पढ़ लो, तो वो भी आपके लिए बोरिंग हो जाएगा, कितने सारे पेजेस कौन पढ़े। तो इस वीडियो में मैंने एक फाइनल मेथड निकाला जो कि हम बचपन से फॉलो करते आ रहे हैं, वो क्या, स्टोरी टेलिंग। किसी स्टोरी को हम सुनते हैं, उसके पीछे का हम, उससे होता है ना कि हमने कभी मॉरल साइंस, आपने पढ़ा होगा बचपन में, हमारा सब्जेक्ट हुआ करता था, एक स्टोरी हम सुनते थे, उसके नीचे हमें मॉरल मिलता था कि अब इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है। तो ये वीडियो भी कुछ इसी तरीके की होने वाली है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी का पूरा कंसेप्ट इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना। सबसे पहले यहां पर जिनकी हम स्टोरी की बात करने वाले हैं वो है रॉय रेमंड। अब ये रॉय रेमंड कौन है? रॉय रेमंड एक नॉर्मल एक हस्बैंड थे, ठीक है। वो अपनी वाइफ के लिए लॉन्जरी, यानी कि आप वुमेन के अंडर गारमेंट्स होते हैं, वो खरीदने के लिए एक मॉल में जाते हैं। अगर आपको पता हो जो डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं या फिर मॉल होते हैं वो कैसे होते हैं, उसमें क्या होता है, एक पूरा हॉल सा होता है, उसमें अलग अलग ब्रांड्स छोटी छोटी जगह लेकर रहती है ना, छोटी छोटी शॉप्स होती है और आपस में एक ही हॉल सा होता है। तो वहाँ पर वो अपनी वाइफ के लिए लॉन्जरी लेने जाते हैं। अब आदमी अगर वुमेन की लॉन्जरी लेने जाएगा उसको थोड़ी सी शर्म तो आएगी, है ना। तो ऐसा ही उनके साथ होता है, उनको थोड़ी शर्म आती है वहाँ पर, और वो शर्म नहीं करते, वो उस एम्बेरसमेंट से एक लेसन लेते हैं। वो क्या देखते हैं कि यार मैं एक स्टार्टअप कर सकता हूँ जहाँ पर मैं एक सेपरेट स्टोर खोलूँगा जो सिर्फ और सिर्फ वुमेन के अंडर गारमेंट्स के लिए ही डेडिकेटेड होगा, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, $40,000 अपनी फैमिली से लेते हैं, $40,000 बैंक से लोन लेते हैं। एक चीज़ याद रखना, ये ट्रेडिंग के बारे में बात हो रही है, कहानी की बात है, तो नंबर्स पे थोड़ा सा ध्यान रखना। $40,000 वो फैमिली से लेते हैं, $40,000 वो बैंक से लोन लेते हैं और ये स्टार्टअप शुरू करते हैं जिसमें एक वो सेपरेट स्टोर खोलते हैं वुमेन की लॉन्जरी के लिए। चलो जी, ये स्टोर इतना ज़बरदस्त चलता है कि $80,000 उन्होंने इन्वेस्ट करे होते हैं एक शॉप खोलने के लिए, स्टोर खोलने के लिए। उनको पहले ही साल $500,000 का, यानी कि 525% के रिटर्न्स का अर्निंग होती है। देख रहे हो आप कितना ज़बरदस्त स्टार्टअप है, मतलब इतना तो कोई आपको अडानी भी रिटर्न नहीं देगा, है ना, इतना ज़बरदस्त स्टार्टअप था। ये बिज़नेस चलता है कुछ ही सालों में, उनकी जो बिज़नेस होता है ना, अभी एक स्टोर थी वो 5 स्टोर हो चुकी होती है, 5 से 6 स्टोर्स उनकी जो हो चुकी होती हैं। मतलब आप देख रहे हो फ्रेंचाइजी सिस्टम चल गया, खुद की अलग अलग उन्होंने स्टोर खोल दिया, बिजनेस बढ़ चुका है। और यहाँ पर क्या होता है, अब आज के टाइम पे 5 साल बाद करीबन उनकी इनकम जो होती है, 1977 में उन्होंने स्टार्ट किया, 1982 यानी कि 5 साल बाद उनकी सालाना जो अर्निंग है उनकी कंपनी की, वो 5 से 6 मिलियन हो चुकी है। अर्निंग ही 5 से 6 मिलियन उनकी हर साल आ रही है। तो वहाँ पर उनको क्या होता है ना, 1982 में एक लेस्ली वेक्सनर है, आप इनका नाम सर्च कर सकते हो, ये बिलियनर है, यूएस के फेमस बिलियनर है, ये उस स्टोर को देखते हैं। उनको ये विक्टोरिया सीक्रेट, यानी कि इस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ जो वुमेन की लॉन्जरी का स्टोर है, उसका नाम है विक्टोरिया सीक्रेट, ये उनको स्टार्टअप बहुत पसंद आता है। वो इतना अपीलिंग होता है कि 1982 में जो लेस्ली वेक्सनर है वो डिसीजन लेते हैं कि मैं इस स्टार्टअप को खरीद लूंगा। तो रॉय रेमंड, जिन्होंने 5 साल पहले इस विक्टोरिया सीक्रेट को शुरू किया होता है, वो उससे डील करते हैं 1 मिलियन में, मतलब कि वो $1 मिलियन में कंपनी को खरीद लेते हैं जिनकी सालाना अर्निंग जो है, ग्रॉस अर्निंग जो है वो 5 मिलियन है। चलो जी, 80,000 उन्होंने लगाए थे, ठीक है, अब 1 मिलियन यानी कि 10 लाख में उन्होंने अपना बिजनेस बेच दिया है, है ना। तो आप देख रहे हो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कितना ज़बरदस्त है। अब ये चीज़ याद रखो, अब क्या होता है, जब वो कंपनी को बेच देते हैं उसके बाद वो उसी कंपनी में कुछ साल के लिए वाइस प्रेसिडेंट का रोल रखते हैं, मतलब वो उसी कंपनी में काम करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट के रोल के दौरान ना, जब वो उस कंपनी में काम कर रहे होते हैं, वो साथ ही साथ अपना एक स्टार्टअप और खोलते हैं, क्योंकि उनको बिजनेस का बहुत शौक होता है। वो क्या करते हैं, नंबर 10 लाख में उन्होंने कंपनी अपनी बेची थी, उसमें से वो $8.5 लाख जो है वो अपने नए स्टार्टअप में डाल देते हैं जिसका नाम होता है माई चाइल्ड डेस्टिनी, ठीक है, ये आप बिजनेस देख लेना, इस कंपनी में डाल देते हैं, इस नए स्टार्टअप में डाल देते हैं, और वो स्टार्टअप बुरी तरीके से फेल हो जाता है। पहली चीज़ आप यहाँ पर याद रखो, उन्होंने $8.5 लाख जो है अपने एक बिजनेस में डाले जो कि फेल हो गया। सेकेंडली, 6 साल बाद यानी कि 1982 में लगभग बेचने के बाद, उसके 6 साल बाद उस कंपनी की वैल्यूएशन जो थी वो $1 बिलियन हो चुकी थी। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, विक्टोरिया सीक्रेट यानी कि उनका जो पहला स्टार्टअप था उसकी वैल्यूएशन जो है अब $1 बिलियन हो चुकी थी। 1 मिलियन में उन्होंने बेचा था, 1 बिलियन जो है उसकी वैल्यूएशन होगी, मतलब 1000 गुना उसकी जो है वैल्यूएशन बढ़ चुकी है ना। तो दूसरा रीज़न, अब यहाँ पर क्या होता है ना, पहला उनका स्टार्टअप फेल हो गया, फिर वो देखते हैं जो उन्होंने स्टार्टअप, खुद की कंपनी थी, यूनिक थी,
इतना अच्छा बिजनेस था, उन्होंने बेच दिया इतने कम प्राइस में, तो वो क्या करते हैं, इन दोनों फैक्ट की वजह से ना बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं। डिप्रेशन में आने की वजह से क्या होता है, 1992 आई गेस 1993 में वो फाइनली गोल्डन ब्रिज यूएस में उससे कूद कर सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता है ना। तो अब ये एक छोटी सी स्टोरी थी, अब ये स्टोरी सुनाने का रीज़न क्या था, इसका ट्रेडिंग से लेना देना क्या है। अब इसे तीन बातें आप समझो। सबसे पहली बात, हमारा क्या होता है कि हमें कुछ अच्छा सेटअप मिलता है ट्रेडिंग में, हमें कुछ चार्ट में कुछ अच्छा दिखता है, हम क्या करते हैं अपनी कैपिटल का बहुत बड़ा हिस्सा या फिर अपनी पूरी ही कैपिटल उठा के एक ट्रेड में डाल देते हैं। अब यहाँ पर इसको रॉय रेमंड से लिंक करो, जिन्होंने एक स्टार्टअप में 10 लाख उनके पास थे, 8.5 लाख इतनी बड़ी मतलब 85% जो है अपनी कैपिटल का एक ही बिजनेस में डाल दिया और वो बिजनेस बर्बाद हो गया, पूरी कैपिटल गई, बैंकरप्ट हो गए, वाइफ ने उनको डाइवोर्स दे दिया, मतलब सब कुछ खत्म सा हो गया उनका एक बिजनेस की वजह से, एक फेल्ड बिजनेस की वजह से, है ना। तो आपको क्या याद रखना है कि हमेशा एक चीज़ समझो, चाहे आप इन्वेस्टर हो, एक ही कंपनी में अगर आपने सारा पैसा डाल दिया और सोचो वही कंपनी बर्बाद हो जाए, उसी कंपनी में कोई स्कैम निकल जाए, खत्म हो गया आपकी कैपिटल, बर्बाद हो गए। तो कभी भी एक चीज़ में, एक ट्रेड में अपनी पूरी कैपिटल मत डालना। आप ये एग्जाम्पल से सीख सकते हो, अगर वो गलत पड़ा पूरी कैपिटल चली जाएगी। इसलिए कहते हैं कि पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, मतलब कुछ पावर सेक्टर के हों, कुछ ऑटोमोबाइल सेक्टर के हों, अलग अलग तरीके की कंपनी के भी शेयर्स आपको खरीदने चाहिए, पैसा आपको थोड़ा थोड़ा हर शेयर में बांटना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको न्यूज़ आ गई कि मतलब लोगों से सुना कि अडानी अडानी, तो आपने सारा पैसा अडानी में डाल दिया, लो फिर कितनी बार उसने लोअर सर्किट हिट करा, रिकवर कर रहा है वो अलग बात है, लेकिन लॉस तो हुआ ना, जिसने उस टाइम पीक पे खरीदा होगा उसका कितना ज़्यादा लॉस हो रहा है उससे पूछो, पहली चीज़ होगी क्लियर। अब दूसरी चीज़ इसी स्टोरी से सीखो कि जो उन्होंने कैपिटल जो थी 80,000 लगाई थी, $80,000 लगाई थी एक साल में, उसका रिटर्न जो आ रहा था पर ईयर $5,00,000 आ रहा था। आप सोच रहे हो मतलब 525% का उनका रिटर्न आ रहा था, मतलब मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ नंबर, 500% का उनका रिटर्न सालाना आ रहा था। उसके बावजूद भी उन्होंने क्या करा, उन्होंने उस बात पे ध्यान नहीं दिया कि उनका रिटर्न कितना आ रहा था और कितना पैसा उन्होंने बनाया, कितना प्रॉफिट उन्होंने बुक किया। ट्रेडिंग से रिलेट करो, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड करो, कि इसको रिलेट करो, कितना पैसा उन पे आ रहा था, कितना पैसा उन्होंने कमाया, इस बात पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने किस बात पे ध्यान दिया कि कितना पैसा मैंने गवाया, मेरी कंपनी की वैल्यूएशन आज की रेट में $1 बिलियन है, तो जो पैसा उन्होंने गवा दिया, जो उनको पैसा मिला ही नहीं 1 बिलियन, उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, इंस्टेड कि जो पैसा उन्होंने कमा लिया था $5,00,000 जो सालाना आ रहे थे, 5 साल तक उन्होंने वो कमाए, एक कंपनी की वैल्यूएशन उनको 1 मिलियन में बेचा, तो मतलब टोटल कितना सारा पैसा था उनके पास, उस पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने ध्यान किस बात पर दिया कि कंपनी की वैल्यूएशन आज 1 बिलियन है। तो हमारे साथ भी ट्रेडिंग में यही होता है, हम क्या करते हैं, अगर मैं आज कुछ ट्रेड करता हूँ, मेरे साथ पहले भी होता था, आज की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले ये होता था कि अगर मैं ट्रेड करता था और मेरा 5 से 10,000 प्रॉफिट हो जाता था, जो कि एक डिसेंट प्रॉफिट है, तो मेरा जब 10,000 प्रॉफिट हो जाता था, तो मैं क्या करता था यार, कि बुक करने के बाद ना थोड़े टाइम बाद वापस आता था देखने के लिए, और मार्केट में अगर 50 पॉइंट भी और बढ़ जाए, यानी कि 1,500-2,000 का प्रॉफिट और होता था, तो मेरा क्या होता था ना, वो 10,000 का जो प्रॉफिट का सेटिस्फेक्शन होता था वो कम हो जाता था, और जो 2,000 मैंने मिस किया उसका रिग्रेट बढ़ जाता था कि यार आज मैं थोड़ा सा और होल्ड करता तो मेरा प्रॉफिट और ज़्यादा होता। ये आप सभी के साथ भी होता होगा, है ना। तो इससे सीखो कि ये जो आप सोचते हो ना कि मार्केट में ट्रेड बुक करने के बाद प्रॉफिट या लॉस कुछ भी हो, उसको बुक करने के बाद जब आप दोबारा आते हो, तो दोबारा आने के बाद जब मार्केट में ऊपर नीचे कुछ भी आपको देखने को मिलता है, वो माइंड पे आपका सीरियसली कुछ डैमेज करके जाता है अगर वो प्रॉफिट हो, और लॉस होते तो आपको पता है डोपामाइन रिलीज होता है, खुशी होती है कि अच्छा वो हमने प्रॉफिट में निकाल दिया। तो कभी भी माइंड के साथ खिलवाड़ मत करना, क्योंकि ट्रेडिंग पूरी की पूरी माइंड की है और इन्वेस्टमेंट भी। तो ये जो माइंड को आप धीरे धीरे डैमेज देते हो ना, बाद में मार्केट में आके अरे पछतावा करते हो, जो रिग्रेट करते हो, वो धीरे धीरे आपके माइंड में एक डैमेज दे रहा है, स्लो पॉइजन का काम करता है, वो ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म आपका साथ नहीं देगा। तो आज से आपको ये क्विट करना पड़ेगा, और स्टोरी से समझो भी कि उसी सेम फैक्ट की वजह से इस पर्सन ने सुसाइड कर ली थी, तो आप सोच सकते हो उसका नेगेटिव इंपैक्ट कितना ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। अब तीसरी बात, यहाँ पर आप ये समझो, आपको उसी शेयर में पैसा डालना है जो आपको दिख रहा है कि कुछ साल बाद उसका प्रोडक्ट यूनिक है, या तो वो मोनोपोली हो कि ऐसा प्रोडक्ट है उसके टक्कर में कोई प्रोडक्ट ही नहीं, या फिर वो 10 से 15 साल बाद भी टिक रहा हो, मार्केट में कुछ यूनिक हो, जैसे कि रॉय रेमंड की एक कंपनी विक्टोरिया सीक्रेट, जो कि यूनिक थी, किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा था कि एक सेपरेट लॉन्जरी स्टोर हमें खोलनी चाहिए, तो लोगों को एम्बेरस फील होता होगा, उन्होंने एज अ कस्टमर भी ये फील किया, उस कस्टमर ने एम्बेरस को एक सर्विस की तरह यूज़ किया, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक उन्होंने निकाली और एक अपना सेपरेट स्टोर खोला, इसलिए वो इतने कामयाब बिजनेसमैन बन पाए थे। तो आपको भी उसी शेयर में पैसा डालना, जो कि आपको यूनिक लगे, या फिर आपको दिखता हो कि 10 से 15 साल बाद वो बिजनेस अच्छा होगा और उस कंपनी का प्रोडक्ट भी अच्छा होगा। आई गेस आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर इस वीडियो ने साइकोलॉजी में आपकी थोड़ी भी हेल्प करी, तो वीडियो को लाइक कर देना,
और सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे। चलो 10,000 सब्सक्राइबर्स भी हमारे कंप्लीट हुए, तो उसके लिए मैंने सोचा एक स्पेशल वीडियो बनाते हैं साइकोलॉजी के ऊपर। चलो टेक केयर।